Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. Next हम लोग देखते हैं lower and upper fixed points. इसके ऊपर two fixed points होते हैं. इसके ऊपर जो थर्मामीटर हमारे इसके ऊपर टू फिक्स पॉइंट्स होते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, एक अपर फिक्स पॉइंट होता है. जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, जब उसकी तरफ मूव करना शुरू करती है लिक्विड की पोजीशन, जब लोअर फिक्स पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू करती है, इसका मतलब होता है कि वो टेम्परेचर इसका फॉल कर रहा है, यानी कम हो रहा है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर. अगर वो हायर फिक्स पॉइंट की अपर फिक्स पॉइंट की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहा है. जैसे अगर हम उसको आइस में रखते हैं थर्मामीटर को, तो उसका लोअर फिक्स पॉइंट की तरफ जाएगा. इसी तरह से अगर बॉइलिंग वाटर में इसको रखते हैं या किसी भी हीट हॉट चीज़ के अंदर उसको रखते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो अपर फिक्स पॉइंट की तरफ उसको मूव करेगी लिक्विड की पोजीशन. नेक्स्ट हमारे पास है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. स्केल्स जो हैं हमें बताते हैं कि इस बॉडी का क्या टेम्परेचर है. वो कुछ मार्क्स होते हैं, ये जो थर्मामीटर के ऊपर ये दी गई हैं लाइन्स, ये स्केल्स होते हैं. ठीक है, ये स्केल्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं हम लोग उसको रीड आउट कर सके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को या किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को. ये डेफिनेशन है इसकी. और ये कितनी तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स के ये स्केल्स होते हैं. कौन कौन से? नंबर वन इज सेल्सियस स्केल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटीग्रेड स्केल, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉरेनहाइट स्केल, एंड द थर्ड वन इज़ केल्विन स्केल. ये तीनों के डिफरेंस दिए गए हैं शॉर्ट में, आप लोगों को डिफरेंस इनका पूछा जा सकता है. डिफरेंस में उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ इंटरवल्स होते हैं इन थर्मामीटर्स में. जैसे ये नंबर है, ये नंबर इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक इंटरवल बनाता है, ये एक इंटरवल बनाता है. ये सब थर्मामीटर्स के जो होते हैं, ये इक्वली इंटरवल्स होते हैं, इनको इक्वली पोर्शंस में डिवाइड किया गया होता है. तो अपर फिक्स पॉइंट से लोअर फिक्स पॉइंट से लेके अपर फिक्स पॉइंट तक ये इंटरवल्स होते हैं, ये इक्वली डिवाइड किए जाते हैं. हर थर्मामीटर के डिफरेंट होते हैं. तो फर्स्ट है सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल के कितने होते हैं, ये 100. इसको 100 इक्वल पार्ट्स में इसके इंटरवल्स को डिवाइड किया गया होता है. उसका लोएस्ट फिक्स पॉइंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है. लोएस्ट फिक्स पॉइंट जो होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. इसी तरह जो हमारा फॉरेनहाइट स्केल है, इसके इंटरवल्स को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है. इसका लोअर पॉइंट जो है वो 32 फॉरेनहाइट है, अपर पॉइंट जो है 212 फॉरेनहाइट है. और जो केल्विन है हमारे पास, ये जो है टेम्परेचर का यूनिट है. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, ये आप लोग टेम्परेचर की डेफिनेशन के साथ भी बता सकते हैं. इसके जो इंटरवल्स होते हैं, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है. इसका लोअर पॉइंट होता है 273 और अपर पॉइंट होता है 373 केल्विन. जो केल्विन का जीरो होता है उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, और जीरो केल्विन जो है वो किसके इक्वल होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के.